असलम दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स ए जे के पी एस सी इक्कीस मार्च दो हज़ार बाईस का डी ई ओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का इंग्लिश का पेपर है उसके इंग्लिश ग्रामर के कुछ एम सी क्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करते हैं अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके बल्कि बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको ईज़ीली मिलती रहा करें तो ये पेपर है तो इसको वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं टेन एम सी क्यूज़ हैं आई डैश टू लंडन आई एम नेॉन एम के साथ गॉन ये इस तरह यूज नहीं होता uh, और वाज नेवर गॉन ये भी इस तरह यूज नहीं होता आई हैव नीन टू लंडन यानी आप कभी भी लंडन नहीं गए तो आई हैव नीन बी आंसर होगा यहाँ पे वेयर डैश दिस रोड लीड वेयर डज डू इज वेयर इज के साथ आई एन जी फॉर्म आता है और डू दिस रोड के साथ नहीं आता जो कि ये सिंगुलर है तो वेयर डज दिस रोड लीड टू राइट आंसर होगा नो बाडी डैश वट इज इन हिज माइंड नो बाडी इज नाउन नो बाडी नोज नो तो नो बाडी चूंकि सिंगुलर है इसके साथ एस आएगा प्रेजेंट सिंपल में नो बाडी नोज वट इज इन हिज माइंड बी आंसर होगा यहाँ पे माई मदर डैश फॉर मी फॉर ओवर एंड आर माई मदर वेटिंग फॉर तो सिंगल सिंपली नहीं आएगा चूंके इसके इसके साथ साथ जरूरी है। my mother have been नहीं आ सकता, my mother singular इसके साथ has आना चाहिए। और ये दुरुस्त होगा। मेरी अम्मी ने इंतजार किया पाँच सिंपल हो जाएगा ये एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स डेम फेसिलिटी वन एवरी वन के साथ हमने गेट गेट्स आर गेटिंग अब देखें एवरीवन सिंगुलर है ना तो इसके साथ एस आएगा प्रेजेंट सिंपल में एवरीवन गेट्स द ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में से एवरीवन एवरीवन के साथ ये हमने मेन uh, वर्ब लगाना है द टीचर वाज अनॉयड डैश अस फॉर बीइंग लेट एन अनॉयड जो वर्ड है ना उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट आता है अनॉयड एट आई केन नॉट डैश विद स्ट्रेंजर्स गेट टूगेदर तो मिलना जुलना होता है तो गेट वेल ठीक होना गेट अलॉन्ग दोस्ती करना घुलना मिलना ये यहाँ पे राइट आंसर होगा आई केन नॉट गेट अलॉन्ग विद स्ट्रेंजर्स सी आंसर होगा दिस आर्टिकल मेक्स ऑल डैश स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड इस आर्टिकल में तमाम उस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं जो कि पहले से प्रूव हो चुकी हैं स्पेसिफिक कम्पलेक्स जनरिक यानी जनरल किस्म की स्टेटमेंट्स ये दे रहा है जो कि पहले से प्रूव हो चुकी हैं तो सी यहाँ पे आंसर होगा जेनरिक बिकॉज ऑफ हर डैश थ्रिफ्टी और बैड जो थ्रेफ्टी होता है ना तो ये तो सेव uh, करने के सेंस में होता है ना तो जो बंदा इकोनॉमिकल होता है तो एक्स्ट्रा वैकेंट फजूल खज किस्म की आदात की वजह से वो कुछ मनी सेव नहीं कर पाया ए आंसर होगा द एग्जामिनर अनाउंस दैट द कैंडिडेट्स डैश ऑफ टाइम एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि कैंडिडेट्स क्या थे रनिंग आउट रनिंग अगेंस्ट रनिंग तो रनिंग आउट ऑफ टाइम यानी उनका टाइम बिल्कुल कम हो रहा था तो ए यहाँ पे आंसर होगा तो इसके अलावा में जो डी के पेपर में एस प्रेस, एज लेटर और पेयर ऑफ वर्ड्स के अलावा मेकिंग सेंटेंसेस विद इडियम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए थे तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ नई ग्रामर की मालूम मिली होंगी बहुत शुक्रिया देखने के लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़